मौसम को देखते हुए एक मस्त सी चाय तो बनती है। देखो कितनी तकड़ी धुंध है, चूल्हे पे चाय बनाते हैं, वही तकड़े वाली है। इतनी लाइक सुबह के 9 बज चुके हैं, फिर भी देखो दूर का कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। वो ठंडो तकड़े वाली ऐसे कड़ाके वाली, इसी वजह से मैंने बाल भी नहीं कटवाया। मम्मी मेरे को सारा दिन कहती रहती है ठंडी की वजह से, जैसे थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लग जाएगी मैं कटवाने, क्योंकि इससे सर्दी कम लगती है ना मम्मी जी। मम्मी जी वैसे सारा दिन कहती रहती है भाई बाल बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं, बट थोड़ी सी धूप निकलने लगे तो कटाएंगे मम्मी जी। सारा दिन बाल बाल लगे रहते, टोपी सर्दी इसी की वजह से, तो ये टोपी है मेरे लिए एक टाइप से। भाई तगड़े वाली खतरनाक है, तो चाय पीते हैं जस्ट फिर। ओह खतरनाक, दिन बीच में तकड़े वाली धूप निकली, आज एकदम से अचानक सर्दी और थोड़ी थोड़ी भुरभुरी से भी पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। किसी भी टाइम बारिश आ सकती है, तो हम तो चाहते हैं बारिश आए, देख लेंगे बारिश को भी, ऐसे मौसम में ठंड वापस से बढ़ जाएगी। और इस अब की बार ऐसे है कि जो नॉर्मल ठंड होती है ना, उससे थोड़ी सी ठीक ठंड हुई है इस साल। आज दादी जी करेंगे व्लॉग का स्टार्ट का, तो हेलो गाइज, जोर तो बोलो थोड़ा, हेलो गाइज, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या कर रहे हो सुबह सुबह? धूप सेक रही हूँ, धूप सेक रही हूँ, कुर्सी पर बैठी हूँ, मस्त धूप है इधर, ये भी धूप सेक रही है, मैं भी धूप सेक रहा हूँ, सारे धूप सेक रहे हैं। ए आजा, मेहमानों के साथ ऐसे मत किया कर। तो एक तो बनी इसको पता है, जो रेगुलर आते हैं उनके साथ ही ज्यादा करता है ये, इसको ये पता है, ये हाँ ये अपना है, ये पराया है, बाहर वाला आता है उसको काटेगा और घर वालों की चप्पल काटेगा। तो धक्का छेड़ेगो तो खाएगो यार, खाओ के मतलब बकवास करेगो तो करेगो। दोनों बकवास कर रहे भाई आपस में। ऑर्डर भी आया हुआ भाई, इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं, है इसके अंदर कुछ, अभी जैसे दिखाते हैं। दीवार पे ऐसे मान लीजिए वॉलपेपर टाइप का, बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। एक ही मंगवाया था मैंने एक बार, स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं कितना अच्छा लगता है, इसको देखते हैं अभी अनबॉक्स करते हैं एंड इसको लगा के अप्लाई करके देखते हैं अपनी दीवार पे, क्योंकि पीसी के पीछे थोड़ा सा ना, उससे फिर बैकग्राउंड का लुक थोड़ा सा ठीक आ जाएगा। चिपेगा कैसे बैकग्राउंड से ये भी नहीं पता मेरे को, पीछे चिपड़े गाएगा इसको कुछ। तो बेल चप्पन की बहुत घर है, तारण लाग गया, देखूं उसे तो है इसका का डिजाइन है ये, यहाँ पे मैं पीछे लगा दूंगा सारे और उसके ऊपर फिर बोर्ड लगा देंगे, और इसके ऊपर चिपकाने का भी है। इसको पहले लगा के देखते हैं, मैंने एक ही बंडल मंगवाया मतलब ये इतना सा, देखते हैं पहले कितनी देर में आता है, और पीछे से डीजे का साउंड आ रहा होगा। अभी पहले तो सारा सामान यहाँ से हटाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। जिनसे एक और भी आया हुआ था, ये मैं भूल ही गया था, पॉपुलर तो लुका बैठा है क्योंकि बाहर डीजे बज रहा है, बस बस बस, और उसकी वजह से पटाखे बज रहे हैं शादी में किसी के, बस बस तो बस कर बस कर। तो यहाँ पे सारा सामान निकालते हैं, इसको भी अनबॉक्स करते हैं। अच्छा यहाँ पे भाई स्टडी बोर्ड लगा हुआ था, वो हटा दिया, अब यहाँ पे लगाएंगे जिससे बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा। और कमरे की वैसे नॉर्मल सफाई मैंने कर दी है, अभी ट्राइपॉड को रखते हैं यहाँ पे, हैंड लगाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं पोपलू से बचते बचाते हुए। नो पोपलू गाइस कुछ इस टाइप से, क्योंकि हमने एक बार एक ही बंडल मंगवाया था, बिकॉज ऑफ टेस्टिंग पर्पज, देखते हैं पहले कैसा रहता है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ तक मैच आ जाएगा। इसके ऊपर अभी और लगाएंगे, एक और बंडल मंगवाता हूँ, अभी जो बचा है वो इतना नहीं बचा कि इसके ऊपर एक और आ जाए, वरना इसका पूरा करवा देते। इस पर अभी ठीक लग रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हुई, कुछ हवा का गैप आ गया थोड़ा सा बीच में, क्योंकि इतने एक्सपर्ट नहीं है हम, बट बैकग्राउंड इज लाइक सही लग रहा है। अब यहाँ पे मैच रखने के बाद पीछे पता नहीं चलेगा अब कैसा क्या सारा सीन है। कमरे में देखो कोई फर्क ला गया? यो फर्क कैसा लगा? सही है, रुक जा मम्मी, बिल्कुल ओके हैं, मम्मी जी को भी दिखा दिया मैंने,
तो लिया तो सेट हो चुके हो, पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सही हो गया। वैसे एक दो और ऊपर लग जाएगा ना तब सही हो जाएगा, क्योंकि कलर अभी करवाएंगे नहीं यार, जस्ट एक साल भी पूरा नहीं हुआ इसको पूरे को बनवाएं, तो इसकी जो थोड़ी सी सीलन है ना आपकी जो गर्मी आएंगी उसके बाद निकल जाएगी, क्योंकि उसके बाद रंग थोड़ा सा अच्छे से लंबे टाइम तक रहता है, दैट्स वाई। तो पीछे वो थोड़ा सा कर दिया, तब तक रंग करवाते हैं। जब तक एक और ले आऊँगा मैं, एक और मंगवा लूँगा मतलब अमेजन से, उसके बाद ये सही हो जाएगा। वैसे एक ही मंगवाया था, इतनी जगह पर सही फिट आ गया। यहाँ पे पीसी को भी साफ़ कर देते हैं, वैसे तो इसके लिए ब्लोअर मंगवाना पड़ेगा मेरे को, बट अभी तो वैसे ही साफ़ करते हैं अपने कपड़ों से, थोड़ा सा खोल के अंदर से मामूली वाली धूल मिट्टी है वो सब हटा देंगे। तो अभी भाई एक बार सामान और लेके आना है कुछ, तो बाइक लेके जस्ट निकलते हैं सामान लाने के लिए। ये खोलते हैं पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, छोटा मोटा ही काम है। पोपलू का कुछ खाने का सामान ख़त्म हो गया, वो लेके जाना है, कुछ घर का सामान लेके जाना है, बाकी तो हम बाहर आते ही क्यों हैं, हमें कोई ज़रूरत होती नहीं इतनी बाहर आने की। मैक्सिमम यही सब काम होते हैं, या तो कुछ घर का सामान ख़त्म हो जाए या पोपलू का कुछ ख़त्म हो जाए, वही सब। वैसे मेरे को भिवानी जाना है एक दो दिन में, पोपलू का भिवानी से भी कुछ और सामान लेके आना है, वो देखो कब तक प्लान बनेगा। यो नहीं फोन आड़ो, लेकिन आए जो सुबह किया था ठीक, उसका सिस्टम खराब हो गया। इसको बहुत जल्दी है, इसको भाई चप्पलें मत खा सबकी, मेरी खाता है सबकी थोड़ी खाएगा, सब नहीं मानेंगे तेरी बातें। उसको थोड़ा सा हम कुछ और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको कुछ बनेगा तो। ये वैसे मैक्सिमम उतर गया, इसको थोड़ा सा देखो लगाया तो था वो लगा रखी। ये हम ये डबल साइडेड टेप लेके आए थे, इसको लगा के इसका कुछ सीन करने के देखें। सुमित कुछ इलाज और हो सकता है इसके अलावा? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका यार जो पीछे ना ये, जैसे अभी इस पे रंग नहीं है तो रंग करवा के लगाने में तो मजे आएंगे, बट यार रंग करवाने के बाद तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी फाइनली कुछ इस प्रकार से डबल साइडेड से चेप के एक बार इसका कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम किया है, क्योंकि एक और फोल्डर आने के बाद तो पूरा छत तक हो जाएगा, फिर शायद ऊपर में कुछ लगाने का सीन देखेंगे। और अभी कलर करवा नहीं सकते, कलर के बाद तो ये उतरते भी नहीं है, जो ये वाले है ना, ये जो भी है क्या बोले इनको, बैकग्राउंड या वॉलपेपर कुछ भी, कलर के बाद उतरते नहीं, बट यार कलर अभी करवा नहीं सकते ड्यू टू, जैसा कि बताया मैंने, नई लाइक एक डेढ़ साल होना ही चाहिए कलर के लिए, उतना ही अच्छा होता है। बड़े बुड्ढे गांव में यार उनका एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं जितना जल्दी करवाओगे उतना जल्दी उतरेगा, इससे ठीक एटलीस्ट एक या दो गर्मी निकलने दो, जिससे जो इसकी सीलन होती है ना जो भी इसके अंदर होती होगी वो निकल जाए, उसके बाद जो कलर होगा वो अलग ही लेवल का होगा, लाइक इतना जल्दी वो हटेगा नहीं, दैट्स वाई वो मान के हम तो वही कर रहे हैं। तो दादी जी कह रहे हैं एक बार एक साल डर जाओ, उसके बाद इस पर ऑटोमेटिकली आराम से अच्छा हो जाएगा, दैट्स वाई एक साल के लिए कुछ सेटअप बैकग्राउंड में इस टाइप से मैंने किया है। यहाँ से तो ऐसे किसी को कुछ पता भी नहीं चलने वाला कि पीछे क्या है, पीछे ऐसे ही लगेगा, सही है बिल्कुल वॉलपेपर टाइप का।